फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सेल सीरीज का ये 9th वीडियो रिलीज होने जा रहा है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेस को कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो आज उन्हीं फॉर्मूलेस की कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस है, उन प्रैक्टिकल क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट होने वाली वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्लिट नेम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑनलीज। मीन्स कि जो ये नेम है उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले के जरिए। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सुभाष कुमार मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मींस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जैसे ही मैं कोई नेम लिखूँ, उसका सर नेम हो, मिडिल नेम हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों को अलग अलग सेल्स में डिवाइड करके दे दे। इसके लिए मैं आज जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला है लेफ्ट का, मिड का, राइट का। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा फाइंड फॉर्मूला इसमें कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लैन का फंक्शन इसमें किस तरीके से यूज़ होने वाला है ये भी बताता हूँ। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे पहले जो आपने फॉर्मूलेज किए थे उन फॉर्मूले का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, सुभाष को इंसर्ट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन इंसर्ट करूँगा लेफ्ट। क्या फंक्शन इंसर्ट करूँगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन इंसर्ट करते ही मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट, कहाँ से टेक्स्ट चाहिए इसे, यहाँ से टेक्स्ट इंसर्ट करना है। नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स मैंने इंसर्ट करने हैं, आप काउंट कीजिए सुभाष के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 6 करेक्टर। बिफोर द स्पेस कितने करेक्टर हैं, 6। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर इंसर्ट करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन दे दी 6 करेक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए। एंटर की प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सुभाष को इंसर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आप देखिए ये यहाँ तो इस नेम के लिए तो ये फिक्स्ड हो चुका, लेकिन अगर इसके अलावा मैं कुछ और नेम लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमित, ओके, तो इसने क्या किया, अमित के साथ साथ स्पेस को भी काउंट किया और के को भी काउंट कर लिया और यहाँ पर उसको इंसर्ट कर लिया। बिकॉज अमित क्या है, 4 नेम का, 4 करेक्टर्स का एक नेम है। पांचवा इसने स्पेस काउंट किया और छठा के को, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या दिया था, देखिए फॉर्मूले में नंबर ऑफ करेक्टर कितने इंसर्ट करें, 6। तो आइए इस तरीके के एरर्स को हम कैसे इसमें से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस फंक्शन के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर क्या है, यहाँ पर हमने क्या इंसर्ट किया था, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट इसको किसमें से चाहिए, और नंबर ऑफ करेक्टर ये इन। अगर मैं चाहूँ कि नंबर ऑफ करेक्टर जो 6 हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से इंसर्ट हो, तो मेरा ये ऑटोमेटिक नेम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ करेक्टर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू फाइंड और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने क्या किया, फाइंड टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं, स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और किस टेक्स्ट में से, इस टेक्स्ट में से। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इसमें स्पेस की वैल्यू क्या है, 5th नंबर पे, और मैंने यहाँ क्या दिया था, 6। तो यहाँ क्या किया, देखो 1, 2, 3, 4, ओके दोस्तों 4 है और स्पेस 5वां है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सुभाष लिखा हुआ था, इसलिए उस फंक्शन के लिए क्या लिखा, उसने यहाँ पर 6 करेक्टर्स को इंसर्ट किया था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 7। मैं चाहता हूँ ये 7, इसमें 7 में जो स्पेस काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग स्पेस को हटा दिया जाए, क्योंकि मुझे केवल h तक चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन के अंदर -1 इंसर्ट कर दूंगा। ओके, अब हमारी इस 6 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो 6 की वैल्यू के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, कॉपी, और इस सुभाष के अंदर 6 को सिलेक्ट करके इस 6 में इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। आप देखिए सुभाष इंसर्टेड है, लेकिन 6 की जगह पर मैंने ये फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया है, आप देख रहे होंगे। इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, आप सुभाष की जगह मैं कोई और नेम इंसर्ट करता हूँ, लाइक अमित इंसर्ट किया, आप देखिए केवल अमित आ रहा है उसके बाद, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस की वैल्यूज़ से बिफोर वैल्यूज़ को काउंट करके यहाँ इसको फंक्शन इंसर्ट कर दिया है। इसकी जगह कोई अगर मैं बड़ा नाम इंसर्ट करता हूँ, जैसे ओके, देखिए सेम उसी फॉर्मूले की मदद से मैंने यहाँ पर नेम को इंसर्ट कर दिया।
कोई भी नेम आप इंसर्ट करेंगे तो ये केवल उसी नेम को इंसर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे लास्ट नेम की। लास्ट नेम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, देखिए लास्ट नेम के लिए, तो आइए दोस्तों लास्ट नेम को कैसे इंसर्ट करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और लास्ट नेम कहाँ है, राइट में। मैंने यहाँ पर राइट कमांड लिखी। राइट कमांड में क्या पूछता है, टेक्स, क्या टेक्स, किस वाले टेक्स में से आपको इंसर्ट करना है, इस वाले टेक्स में से। और नंबर ऑफ करेक्टर कितने इंसर्ट करने हैं, देखिए दोस्तों मिश्राज के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3, 3 और 4 5 और 6 और 7, 7 करेक्टर हैं, तो मैंने 7 करेक्टर्स दे दिए। आफ्टर स्पेस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, मिश्राज आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं मिश्राज की जगह पर केवल मिश्रा लिखता हूँ तो मिश्रा आ गया, लेकिन देखिए इसमें अगर मैं और कोई बड़ा नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा चौधरी, ओके, ये चौधरी को पूरा नहीं इंसर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ 7 डिजिट ऑफ करेक्टर्स इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूले में मेंशन किया हुआ है और ये 7 करेक्टर से अबव है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो इसको भी हम फॉर्मूले के जरिए क्यों ना क्या किया जाए, फॉर्मूले के जरिए इसको सॉल्व किया जाए। तो आइए देखिए इसमें क्या है, 7 नंबर करेक्टर्स की वैल्यूज, ओके, और जबकि मेरे मिश्रा के अंदर 6 हैं तो मैं इसको 6 भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ओके, 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने यहाँ लास्ट डिजिट दिए। अब मैं इस 6 की वैल्यू को अगर फॉर्मूले के जरिए इंसर्ट करूँ तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले मुझे काउंट करना पड़ेगा क्या ये है टोटल करेक्टर की लेंथ। इस टोटल करेक्टर की लेंथ को कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, अगर मैं इस टोटल करेक्टर की लेंथ में से ये सेकेंड स्पेस तक की वैल्यू को अगर माइनस कर दूँ तो मेरा इस आफ्टर स्पेस, सेकंड नंबर के आफ्टर स्पेस की वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ, सबसे पहले मैंने लेंथ काउंट की इसकी, ओके दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया इसमें से माइनस किया किसको, फाइंड। फाइंड करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पेस फाइंड आउट किया किस में से, इस वैल्यू में से, इस वैल्यू में से। जैसे मैं स्पेस फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्पेस तक की वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, लेकिन मुझे सेकंड स्पेस तक की वैल्यू चाहिए, ओके दोस्तों। तो सेकंड स्पेस की वैल्यू के लिए अगेन मैं फिर फाइंड लगाता हूँ और यहाँ पर फिर स्पेस की वैल्यू को फाइंड करता हूँ और कॉमा लगा करके इसमें से मुझे सर्च आउट करना है, तो मैंने क्या किया इसको ब्रैकेट क्लोज, और स्पेस की अगली वैल्यू से मुझे नंबर ऑफ करेक्टर की स्टार्टिंग चाहिए तो मैंने प्लस वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी और ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू एरर दे रहा है, क्यों वैल्यू एरर दे रहा है आइए देखते हैं। वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर फाइंड वैल्यू दे रखी है। तो आइए दोस्तों इस फॉर्मूले को थोड़ा और आसान तरीके से सीखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं लेंथ काउंट कर लेता हूँ, एल ई एन और ब्रैकेट स्टार्ट, इस वैल्यू की मैंने क्या किया, लेंथ को काउंट कर लिया, 18 डिजिट ऑफ करेक्टर्स हैं इस नेम के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सेकेंड स्पेस को फाइंड आउट करता हूँ दूसरे सेल में, क्योंकि एक साथ फॉर्मूले लगाने में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, इक्वल करके मैं फिर फाइंड की वैल्यू करता हूँ। क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले का स्पेस थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ईजिली आपको दिखे, ओके, इक्वल्स टू किया, फाइंड किया। फाइंड करने के बाद मैंने स्पेस को फाइंड आउट करना है, किस में से फाइंड आउट करना है, इस वाली वैल्यू में से। फिर मैंने सेकेंड वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सेकेंड स्पेस की वैल्यू को, तो उसके लिए फिर स्पेस को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से पूछा, ये सेकंड स्पेस, इस वैल्यू में से सेकंड स्पेस फाइंड आउट करना है, और सेकंड स्पेस फाउंड करके इसका नेक्स्ट करेक्टर तक वैल्यूज मुझे चाहिए, किस में से, पहले ये सुमित के अंदर कितने, 5 5, इसमें प्लस स्पेस करके यहाँ पर, तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस 1 करके ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो ये 12 करेक्टर्स की स्पेस की वैल्यू दे रहा है। देखिए फर्स्ट करेक्टर की स्पेस की वैल्यू कहाँ है, सुमित 5 डिजिट का है स्पेस, छठा, फिर कुमार 5 डिजिट, 6 और 5 11, और ये करेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्पेस की वैल्यू 11 नंबर पर पोजीशनिंग है इसकी, किसकी, सेकंड स्पेस की। तो अगर मैं इस 18 में से, मींस ये टोटल 18 में से इस 12 को लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मिश्रा। तो सबसे पहले मैं इस 12 के फॉर्मूले को सेलेक्ट करता हूँ और फाइंड तक कॉपी कर लेता हूँ और इस 18 वाले फॉर्मूले में माइनस लगा करके मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। तो आइए देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, 6 नंबर आ गया आपके नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू, तो इसको अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है डिलीट। इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, अगेन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस
फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू में फॉर्मूला इंसर्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए अब मिश्रा की जगह पर मिश्राज लिखता हूँ या इसमें मैं कोई और वैल्यू लिखता हूँ, चौधरी। ओके, अब चौधरी पूरा आ रहा है, कटा हुआ नेम तो नहीं आ रहा ना दोस्तों, आधा नाम नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला इंसर्ट करके इजीली इन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम काम करेंगे मिडिल नेम पर। ये तो मिडिल नेम को सर्च करने के लिए, मिडिल नेम को यहाँ लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कमांड आती है मिड ब्रैकेट स्टार्ट। कहाँ ये पूछ रहा है टेक्स्ट, कहाँ से आपको मिड नेम चाहिए, यहाँ से चाहिए। स्टार्टिंग नंबर क्या चाहिए, देखिए सुमित है, 5 डिजिट ऑफ करेक्टर्स, स्पेस है छठा, 7 नंबर ऑफ करेक्टर से मुझे इसकी स्टार्टिंग चाहिए, और नंबर ऑफ करेक्टर मुझे कितने रिक्वायर्ड हैं, कुमार के अंदर कितने टोटल करेक्टर हैं दोस्तों, 5 करेक्टर्स। तो यहाँ 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। इस नेम को तो यहाँ इंसर्ट कर दिया इसने इजीली, लेकिन सपोज करो यहाँ पर कोई और लिखा होता, सुमित सिंह लिखा होता। ओके, तो सिंह के अंदर भी 5 डिजिट है, इजीली आ गया। अगर सपोज करो यहाँ पर कुछ और मेंशन होता, मैंने लिख दिया सुमित के भाटी, अब यहां देखिए भाटी इंसर्ट है, लेकिन यहां पर यह वैल्यू एरर दे रहा है। तो इन चीजों को मुझे रेक्टिफाई करने के लिए यहां फॉर्मूले की वैल्यू देना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की वैल्यू कैसे हम देंगे, उसके लिए सेम इसी फॉर्मूले को ब्रेकअप करेंगे। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले का सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर, और क्या है फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स। पहले स्टार्ट नंबर की पोजीशंस को मैं यहाँ सर्च करता हूँ, और उसके लिए मैं क्या कमांड लगाऊंगा, स्टार्ट नंबर कहाँ से, देखिए कुमार वैल्यू पहले स्पेस से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, किस स्पेस से, पहले स्पेस के बाद के की वैल्यू है स्टार्टिंग नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, फाइंड, जैसा अभी आपने आपको मैंने बताया, पहले स्पेस की वैल्यू को फाइंड करता हूँ, किस में से, इसमें से, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये स्पेस में किसे काउंट करेगा, सुमित के बाद जो स्पेस है उसको काउंट करेगा। देखिए जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ 6, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अंदर स्पेस के बाद के की वैल्यू है, तो फॉर्मूले के बाद मैंने प्लस कर दिया 1। ओके, तो 7 नंबर की डिजिट की वैल्यू मिल गई। ओके दोस्तों, इस फॉर्मूले के अंदर मेरा 7 डिजिट। अब मुझे 5th नंबर के पोजीशंस, जो मेरा क्या है नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू, उसको फाइंड आउट करना है, और वो कहाँ से है, देखिए स्टार्टिंग करेक्टर के जो 7 नंबर से स्टार्टिंग है, और एंड डिजिट क्या है कुमार आर, जो क्या है 5 डिजिट वैल्यूज है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे ये सेकंड स्पेस तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें से मुझे ये पहला स्पेस जो 7 डिजिट का है, मीन्स सुमित के अंदर 5 है, स्पेस 6 डिजिट है, ये 6 डिजिट तक की वैल्यू को मुझे इसमें से लेस, पूरी वैल्यू में से इसको लेस करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल फाइंड, फाइंड वैल्यू निकाला, पहला स्पेस मैंने फाइंड आउट किया, कहाँ से फाइंड आउट किया, इस वैल्यू में से, इसने मुझे क्या करा, पहले स्पेस की वैल्यू को निकाल के दे दिया, पर मुझे तो चाहिए दूसरा स्पेस, तो उसके लिए फिर मैं फाइंड की वैल्यू निकालता हूँ। ओके दोस्तों, स्पेस की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, ये मुझे क्या निकाल करके देगा, सेकेंड नंबर की स्पेस की वैल्यू, लेकिन ये सेकंड नंबर के स्पेस की वैल्यू तब निकालेगा जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, +1। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, 12 नंबर ऑफ डिजिट, मुझे क्या चाहिए 11, क्योंकि स्पेस मुझे काउंट नहीं करना है, 5, 6, 6 एंड 5 +11, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, -1। तो ये मुझे एग्जैक्ट आर की पोजीशंस दिखा रहा है। अब देखिए अगर मैं इस 11 में से 7 को लेस करता हूँ तो कितना आता है दोस्तों, 4, क्या आता है 4, यहाँ पर 4 की वैल्यू को मेंशन कर देगा। लेकिन अगर मैं -1 नहीं करता हूँ तो मेरी पोजीशन है 12, 12 में से अगर मैं 7 को लेस करता हूँ, पोजीशंस क्या आती है 5, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है 5, तो मुझे पहले इस वैल्यू को सिलेक्ट, देखो इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, फंक्शंस को कॉपी करना है, एंटर की प्रेस करना है, और यहाँ लाना है फाइंड से पहले, क्योंकि 12 की वैल्यू में से लेस करना है मैंने क्या, फाइंड 7 की वैल्यू को, एंटर। तो यहां पर देखिए पोजीशन क्या आ रहा है, 7 नंबर, पहले 7, सॉरी दोस्तों 7 नंबर के डिजिट की मुझे वैल्यू मेंशन है, और यहां पर मुझे क्या चाहिए 5, 12 में से मैं 7 को लेस करूंगा, तो इस फॉर्मूले को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूं, और एंटर की इस 12 वाले में से मैं क्या कर देता हूं फॉर्मूले में, माइनस पेस दिस फॉर्मूले की वैल्यू। ओके दोस्तों, तो यहां पर मेरी पोजीशंस क्या आ गई, तो देखिए दोस्तों यहां पर मेरी पोजीशनिंग क्या आ रही है, 6, जबकि मुझे चाहिए 5, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्लस एक्स्ट्रा इंसर्ट किया हुआ है, इस +1 को हटा देते हैं, पोजीशन आ जाती है 5। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मेरे नेम की वैल्यू में क्या चाहिए, 7, स्टार्टिंग नंबर ऑफ द करेक्टर एंड नंबर ऑफ करेक्टर 5, तो सबसे पहले स्टार्ट नंबर ऑफ करेक्टर की
फॉर्मूला वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है, जो है नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू, इसके फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं फाइव के जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिखूँ, जैसे मैंने अमित कुमार मित्तल लिखा, एंटर, देखिए एक्यूरेट। मैंने लिखा डॉक्टर सुभाष अरोरा, अब देखिए डॉक्टर की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये एग्जैक्टली उसी वैल्यूज़ को वो फाइंड आउट कर देगा। तो इस तरीके से हम लेफ्ट मिड राइट कमांड में फाइंड कमांड लैंड कमांड का यूज़ करके अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी फंक्शंस को अगर मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ में इंसर्ट करना हो तो भी आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वही कंडीशन, मुझे लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, इक्वल करेंगे लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट मैंने यहाँ से इंसर्ट करना, सॉरी लेफ्ट के लिए मुझे ये डेटा चाहिए कहाँ से, यहाँ से टेक्स्ट वैल्यूज़, नंबर ऑफ करेक्टर स्टार्टिंग कितनी चाहिए सुनील में, फाइव करेक्टर, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की, सुनील की वैल्यू आ गई। जैसे मुझे मिडिल चाहिए तो मिड लिखेंगे, मिड लिखने के बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू में से मुझे मिड फाइंड आउट करना है, सुनील कितने डिजिट का है, फाइव डिजिट, स्पेसेस एक, सेवन नंबर के डिजिट स्टार्टिंग चाहिए, और कुमार में कितने हैं, फाइव करेक्टर्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कुमार आ गया। लास्ट नेम इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट, राइट की वैल्यूज़ के लिए हमें कहाँ से इंसर्ट करना है, इसमें से, और राइट में क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर मुझे फाइव चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की, सॉरी एम की वैल्यू इंसर्ट होगी, फाइव करेक्टर्स। तो यहाँ देखिए इजी है, लेकिन जैसे ही इसको मैं नीचे को ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये बाकी की पोजीशनिंग एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि नेम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करेंगे, किसका, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्या, फाइव की पोजीशनिंग में फाइंड। ठीक है दोस्तों, फाइंड में क्या करेंगे, हम स्पेस को फाइंड करेंगे, पहली वैल्यू को, और वो स्पेस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसमें से, और क्योंकि स्पेस फाइंड आउट करेगा इस डिजिट के बाद, एल के बाद, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में माइनस वन कर दूंगा। ओके, फॉर्मूला पुट अप किया, इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को नीचे को ड्रैग करता हूं, तो आप देखिए एक्यूरेट ऑफ पोजीशनिंग आती है नेम्स की। मिडिल निकालना है, मिड में मुझे इस पोजीशन को निकालना है, कैसे निकालूंगा, इसके लिए वही कंडीशन, मुझे सेकंड स्पेस की वैल्यूज को फाइंड करना है सबसे पहले। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, फाइव के लिए मैंने इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या चाहिए, करेक्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स की वैल्यूज क्या है, और यहाँ पर क्या चाहिए पोजीशनिंग मिड के लिए, स्टार्ट नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट नंबर को फाइंड करने के लिए फाइंड लिखते हैं, स्पेस फाइंड कहाँ से करना है, यहाँ से, पहला स्पेस मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, तो वो पोजीशंस क्या होगी, एंटर की, सिक्स नंबर, जबकि यहाँ मेरी पोजीशनिंग क्या है, सेवन, तो मैंने क्या किया इसमें स्पेस की पोजीशन में प्लस वन किया। ओके दोस्तों, आ गया, अब मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स की वैल्यू चाहिए कुमार की, तो उसके लिए मुझे टोटल स्पेस में से माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, पहले वाला स्पेस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड, पहला स्पेस मुझे फाइंड करना है, कहाँ मिलेगा वो, यहाँ मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा फाइंड करता हूँ मैं, क्या, स्पेस की वैल्यू को, वो स्पेस मुझे कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा, और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्लस वन। ओके दोस्तों, तो जैसे ही मैंने इसको प्लस किया, एंटर की, देखो 12 नंबर ऑफ डिजिट दिखा रहा है यहाँ पर, कितने, 12 नंबर ऑफ डिजिट। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से पहले वाले स्पेस को लेस करना है, ये वाले को, और अगर मैं इसमें माइनस वन करता हूँ तो मुझे, क्योंकि मुझे इस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे आर की पोजीशनिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको वन करता हूँ, तो करेक्टर्स की लेंथ कितनी दिखाता है आपको, सॉरी माइनस वन, माइनस लगाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, सिक्स नंबर की डिजिट, तो इसलिए हम इसको प्लस ही रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसी में एक आगे माइनस करना है, प्लस करके फिर माइनस वन लगाना है, और फिर माइनस करके फाइंड की वैल्यू देनी है, स्पेस। ठीक है, फाइंड मुझे क्या चाहिए, स्पेस, और वो स्पेस मुझे कहाँ से मिले, पहला स्पेस ये वाला, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर की, अभी आ गई फाइव नंबर की पोजीशनिंग। तो मिडिल के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ से फाइव की पोजीशन को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, एंटर की, और यहाँ पर जाकर क्या करूँगा, सेवन की पोजीशन पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और फिर फाइव करेक्टर लेंथ के फॉर्मूले को सिलेक्ट करके इसमें करेक्टर लेंथ को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इजीली मिडिल नेम को भी इंसर्ट कर देगा सभी को।
उसके बाद मुझे इसकी पोजीशनिंग, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स जैसे यहाँ निकाले वैसे यहाँ निकालेंगे, तो इसमें क्या है, इन टोटल करेक्टर की लेंथ पहले काउंट करूँगा कैसे, यहाँ पर देखो इक्वल्स टू लेन, किसकी लेंथ काउंट करनी है मैंने, इसकी, तो ब्रैकेट क्लोज, इसमें से मुझे किसे माइनस करना है, सेकेंड स्पेस तक की वैल्यू को, यानी कि 12 की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इक्वल करके वही फाइंड स्पेस की वैल्यू पहली फाइंड आउट करनी है, कहाँ, यहाँ, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाता हमारा पहला फाइंड स्पेस, मुझे तो सेकंड भी फाइंड करना, तो फाइंड करेंगे, ओके, तो मैंने फाइंड कमांड लिखी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, स्पेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसमें से, इसमें से, और प्लस करना है 1, ओके दोस्तों, मुझे एम की वैल्यू तक चाहिए, नहीं, मुझे स्पेस की वैल्यू तक चाहिए, सॉरी, फाइंड कमांड, फाइंड ब्रैकेट स्पेस की वैल्यू कहाँ से चाहिए मुझे, यहाँ से, तो पहला स्पेस मुझे मिल गया, फिर फाइंड लगाया, दूसरा स्पेस फाइंड आउट किया, और वो कहाँ से, यहाँ से, कॉमा लगा के, यहाँ से, और इसको किया एंटर, तो ये 6 नंबर दिखा रहा है मुझे, 12 नंबर के डिजिट थे तो +1, ओके, अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक करेक्टर की लेंथ को क्या करना है, 12 को लेस करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, कैसे, इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, और करेक्टर की लेंथ जो है उस लेंथ के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस पेस्ट वैल्यू, तो करेक्टर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहाँ पर, 5 की पोजिशनिंग, तो 5 की पोजिशनिंग के लिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके दोस्तों, तो यहाँ कमांड क्या करते हैं, 5 की पोजीशन पे इसको पेस्ट, तो ये मीना की पोजीशंस आ गई, इसको देखो सभी के सरनेम इंसर्ट हो गए, अब इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट, इस तरीके से हम सीखते हैं क्या, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को इंसर्ट करना और फॉर्मूले ट्रिक्स को यूज़ करना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक्स।